सो हे गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार यहाँ पे सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्ड, जैसे आप गेम प्ले स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो गाइज यार वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब यार मैं खुद वो प्रॉब्लम झेल रहा हूँ गाइज, उसका सोल्यूशन गाइज आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब यार यहाँ पे जैसे गाइज सबसे पहले तो आप वो क्लिप देख लो वीडियो किस तरह से वो फास्ट फॉरवर्ड होता है। तो गाइस आपको देख के पता लग गया होगा कितना गंदा स्क्रीन रिकॉर्ड होता है। मतलब यार यहाँ पे हाई क्वालिटी का स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, पर गाइस यार यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जिसको वीडियो रिकॉर्ड को गाइस आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। सो गाइस वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार यहाँ पे जो आपको वो प्रॉब्लम है ना, वो अभी तक प्रॉब्लम ही बनी रह जाएगी। मतलब यार वीडियो देखने के बाद भी गाइस वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी गाइस, बाद में गालियाँ मत देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यार यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व नहीं होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ गाइस, आपको वीडियो को लास्ट में जाते जाते आपको पता लग जाएगा। तो गाइस यार अगर आप चाहते हो ना कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग सच में आपका सही हो जाए तो गाइस यार बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना एक बारी। तो उसके बाद गाइस आप देखते हैं क्या करना है। तो गाइस यार सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पे YouTube पे कई ज़्यादा वीडियोस इस पर बनी हुई हैं, 2-3 वीडियो मैंने देखी है उस पर बनी हुई हैं। तो गाइस उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि ऐप का डाटा क्लियर कर दो, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का गेम बूस्टर का डाटा क्लियर कर दो, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो सही हो जाएगा। बस मैंने बहुत कुछ देखा पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद गाइस यार ये सारे प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, उसके बाद मैंने सोचा कि कस्टमर केयर के पास जाते हैं, लोकल कस्टमर केयर के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे सही होगी। तो गाइस जब उनके पास गया तो गाइस पता लगा कि गाइस यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन में, बस गाइस वो जो ऐप है उसमें प्रॉब्लम है। मतलब यार जब मैंने उनको पूछा कि गाइस क्यों नहीं हो रहा स्क्रीन रिकॉर्ड, तो गाइस उन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब यार कुछ नहीं किया उन्होंने, बस दूसरा ऐप डाउनलोड कर लिया जो कि मतलब एड्स वाला ऐप था, बेकार से ऐप था स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, प्ले स्टोर से, तो उसको रिकॉर्ड करके दिखा दिया। तो कह रहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो सही हो रही है, आपके फ्री फायर या पबजी में ही कोई प्रॉब्लम है। तो गाइस ये होने के बाद गाइस यार मैंने घर आया, तो गाइस मैंने उनको जैसे जो हाई लेवल पे कस्टमर केयर होते हैं ना, मतलब यार यहाँ पे जो कॉल ऑनलाइन जो कॉल पिक करके बात करते गाइस, उधर से मैंने उनको फ़ोन किया। तो गाइस यार उनको मैंने अपनी वीडियो दिखाई, उनको मेल की अपनी वीडियो, सब कुछ बताया कि गाइस ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस 2-3 मैंने कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात की, तो गाइस उन्होंने यही बताया कि गाइस यार यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है गाइस यार यहाँ पे ये अपडेट के बाद ही सॉल्व होगी, कोई भी सेटिंग कर लो कुछ नहीं होगा, जब तक इस ऐप का मतलब इस ऐप का अपडेट नहीं आएगा, गेम बूस्टर ऐप का अपडेट नहीं आएगा ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। जैसे जो भी आप वीडियो देख लो किसी में आपको सॉल्यूशन नहीं पता लगेगा, 80% ऑडियंस वही होगी गाइस बस वीडियो को देख लेती हैं और गाइस नहीं उनका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता है। तो गाइस यार ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि गाइस यार अगर इस वीडियो पे अच्छे से व्यूज़ आ जाते हैं ना, और गाइस आप बस एक कमेंट सेक्शन में अच्छा से कमेंट कर देना, मतलब यार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर देना कि यार यहाँ पे हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, जिससे गाइस और लोगों के पास ये वीडियो जा सके। और गाइस यार यहाँ पे इस वीडियो का मेन मकसद तो यही है कि गाइस यार अगर इस वीडियो पे अच्छे से व्यूज़ आ गए और गाइस यार मैं उसके बाद गाइस यार इस वीडियो पे अच्छे से व्यूज़ आ जाएंगे, तो गाइस उसके बाद गाइस यार मैं कस्टमर केयर को कॉल करूँगा और उनको कहूँगा कि देख सकते हो 10,000-20,000 ऑडियंस है, इनके हर सभी को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप जल्दी से जल्दी इस ऐप का अपडेट लाओ जिससे हम अच्छे तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकें। होप आपको पूरा मोटो समझ आ गया होगा मैंने किस लिए ये वीडियो बनाई, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने को बोला। तो गाइस यार बस आपको अच्छा सा कमेंट कर देना जो कि मैं कमेंट उनको भी बता सकूँगी, गाइस देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऑडियंस को कितनी प्रॉब्लम, सैमसंग यूज़र को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, और वो मतलब वो जब देखेंगे ना कि गाइस इतने जनों को प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन देखेंगे, मैं सब कुछ दिखाऊंगा उनको कॉल करके स्क्रीन शेयर करके, तो वो जब दिखाऊंगा तो उनको भी पता लगेगा और उसके बाद गई जब बात थोड़ी सी आगे जाएगी और उसके बाद गई सर यहाँ पे अपना जो अपडेट है वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश होगी। बस आपको मोटो समझ आ गया होगा इस वीडियो को बनाने का क्या था, बस आपको अच्छा सा कमेंट कर देना जो कि मैं प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ।
सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। गाइज इस टॉपिक पे अगर और वीडियो लाया तो सब्सक्राइब कर देना, उसमें गाइज मैं आपको सोल्यूशन पक्का दूंगा इस प्रॉब्लम का। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगले में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड पीस आउट।